एस्ट्रो योगी। पहला एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेशन सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में, अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, ओम गण गणपतये नमः। बिजनेस में होगा आज कितना प्रॉफिट, हेल्थ के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, क्या मिलेगी मनचाही नौकरी या होगी अपने पार्टनर के साथ मुलाकात, ऐसे किसी भी सवाल का जवाब पाने के लिए डाउनलोड करें एस्ट्रोलॉजी ऐप और पाएं अपने फेवरेट एस्ट्रोलॉजर से 100% प्राइवेसी के साथ कोई भी जवाब। जानते हैं 1 फरवरी 2023 दिन बुधवार का राशिफल और पंचांग। विक्रमी संवत 2079, शक संवत 1944। हिंदू पंचांग के अनुसार मास माघ शुक्ल पक्ष शिशिर ऋतु। आज एकादशी तिथि 2:01 तक रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र मृगशिरा आज रात 3:23 तक, उसके बाद आद्रा नक्षत्र लग जाएगा। आज बनने वाला योग इंद्र, सुबह 11:30 तक, उसके बाद व्याहदित योग लग जाएगा। चंद्रमा वृषभ राशि में दोपहर 1:59 तक गोचर करेंगे, उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य इस समय मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। आज सूर्य उदय सुबह 7:10 तक होगा और सूर्यास्त शाम को 6 बजे, चंद्र उदय दोपहर 2:06 पर होगा। जानते हैं आज के शुभ मुहूर्त अभिजीत के बारे में। आज अभिजीत मुहूर्त नहीं होगा। बात करते हैं राहु काल की। कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। दोपहर 12:35 से लेकर शुरू होकर और दोपहर 1:56 तक रहेगा। आज जया एकादशी भी है। मेष राशि। मेष राशि के जातक आज किसी लड़ाई के कारण परेशान हो सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ कोई भी बहस करके अपना मन खराब ना करें, खुद पर कंट्रोल रखने की कोशिश करें, नहीं तो चीजें खराब होंगी। सिचुएशन को संभालने का प्रयास आपको करना है। लव लाइफ की बात करें तो आज अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं, हो सकता है आप शादी या किसी डेटिंग पर भी जाएं। करियर के मामले में आज अपने ऑफिस और कार्यालय में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। आगे बढ़ने पर अपना रास्ता ध्यान रखें और अपने सही दिशा को चुनें। फाइनेंस में अपनी इनकम को आज बढ़ते हुए देखेंगे, हो सकता है कोई नया कार्य या बिजनेस भी शुरू हो जाए। आपको सक्सेस निश्चित रूप से आज मिलने वाली है। हेल्थ के मामले में परिवार वालों का ध्यान रखें। सुबह 10:00 से लेकर 12:00 तक का आपका समय शुभ रहेगा। उस दिन कोई भी कार्य करने के लिए आप अपने आप को उच्च स्तर पर रखें। कोई भी शुभ कार्य 10:00 से 12:00 के बीच में शुरू किया जा सकता है। भूरा रंग आज आपके लिए लकी साबित होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातक मिथुन राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण खुद पर अपना ध्यान रखें। हो सकता है जो आप देखना चाहते हो वो आज आप ना देख पाए। जिन वस्तुओं में आपकी रुचि है वो आपको मिलेंगी जरूर, लेकिन थोड़ी मेहनत के बाद। खुशी तभी मिल पाती है जब चीजें आपको थोड़ा संघर्ष के बाद मिलती हैं। अपने दोस्तों और परिवारों के साथ कुछ समय बिता सकते हैं। लव लाइफ की बात करें तो आज पार्टनर के साथ किसी बातचीत के वक्त बहस हो सकती है। खुद पर नियंत्रण रखें। आपका पार्टनर काफी अंडरस्टैंडिंग है, वो इस बात को समझेगा। करियर के मामले में ऑफिस पर ध्यान देना आपको जरूरी है। हो सकता है आपका मन किसी काम में ना लग रहा हो जिसके कारण आप उदास हो। फाइनेंस में आज का दिन अच्छा है। आपको अपनी चीजों और परिस्थितियों को सीरियसली लेना सीखना होगा। हेल्थ की बात करें तो आज कफ और कोल्ड की शिकायत आपको रह सकती है। अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहें। हो सकता है किसी बात को लेकर परिवार में विवाद हो तो कोई भी कार्य करने से पहले समय से निश्चित करें। 10:00 से 1:00 के बीच का लाल रंग रहेगा आपके लिए लकी कलर। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अच्छा काम कर सकेंगे। आप बिजनेस पर्सन हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और आप कुछ चीजों को लेकर होप भी रख सकते हैं। आज अपने बिजनेस की नई रणनीतियों पर बात कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। लव लाइफ की बात करें तो आज ऐसे इंसान से मिलेंगे जो आपको चीट कर सकता है। अपने पास्ट को जानकर ही नए रिश्तों को आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि पुराने समय में आपको चीजों से नुकसान हुआ है। जल्दबाजी ना करें। आज रुके हुए कार्य पूरा होने का समय है। सिर्फ उन पर उस बात पर नजर डालिए कि पुराने समय में कोई प्रॉमिस तो आपने नहीं किया। आसपास के लोग, आपका डिपार्टमेंट या स्थान परिवर्तन को लेकर कुछ चालें चल सकते हैं। फाइनेंस के नए मौके आज आपके सामने रहेंगे। आप अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पर अपने काम को जस्टिफाई आज खुद ही कर लेंगे। कभी भी दूसरे को कम मत आंकिए।
और अपनी वैल्यू को दूसरे के सामने जस्टिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। हेल्थ के मामले में खुद और परिवार का ध्यान रखें। एस्ट्रो योगी के ज्योतिषियों के अनुसार 3 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय आपके लिए लकी साबित होगा। इस मौके का लाभ आपको उठाना चाहिए। मोवा कलर आज आपके लिए लकी रहेगा। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा है। आज पॉजिटिविटी के साथ काम कर सकते हैं। किसी अच्छी खबर मिलने की उम्मीद के कारण आज आप अपना सारा दिन अच्छे से बिताएंगे। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी रहने वाली है। आज आप मेहनत के साथ जो काम कर रहे हैं उसका लाभ आपको तुरंत प्रभाव से देखने को मिलेगा। यदि आप अविवाहित हैं, भाग्यशाली है आज आपके लिए दिन। लव लाइफ और शादी की बात आपको सरप्राइज करा सकती है। अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करें क्योंकि आज के दिन काफी चीजें आपके फेवर में होंगी। आज का दिन आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस ला सकता है। करियर के मामले में चाहे वो ऑफिस हो या आप स्कूल में पढ़ते हो, किसी ऐसी शांत जगह की तलाश करें जहां पर आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और जिम्मेदारियों से भटके नहीं, क्योंकि यह महीना विद्यार्थियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। फाइनेंस में आपका काम आसानी से बन जाएगा, सारे टारगेट पूरे होंगे। बिजनेस के मामले में आज आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आगे बढ़ने के लिए बिजनेस की जिम्मेदारियां संभालने के लिए कोई कोर्स या एजुकेशन आप ले लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। करियर में सफलता रहेगी। हेल्थ के मामले में आज आप आंखों का ध्यान रखें। आपको सरदर्द या दिखने जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जल्दी जांच कराइए, आंखें ठीक हो सकती हैं। पीला रंग आज आपके लिए भाग्यशाली है। शुभ काम करने के लिए समय रहेगा 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच। सिंह राशि। सिंह राशि के जातक मिथुन राशि के चंद्रमा में गोचर के कारण अच्छा काम करेंगे। अपने आप को और अपने दोस्तों को समय दें, वो आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। आप अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से अपने काम का निर्धारण अवश्य करें। पुराने दोस्त या उनके परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, आप अच्छा महसूस करेंगे। लव लाइफ की बात करें तो आज आपके पार्टनर की तरफ से आपको की बहुत सुंदर तोहफा देखने को मिलेगा, आपको हैरानी में डालेगा। आज आप एक दूसरे के साथ अच्छा महसूस कर सकते हैं। करियर के मामले में अपने ऊपर काम का बोझ महसूस करेंगे, चाहे वो बिना थके ही आप काम क्यों ना पूरा कर रहे हो, परंतु कहीं ना कहीं थकान आपके ऊपर आज हावी रहने वाली है। फाइनेंस के मामले में जो नई बातें सामने आ रही हैं, आज खुद सतर्क रहें, जानकारी लेते रहें। काम का दबाव अपने ऊपर हावी ना होने दें, अपनी एनर्जी का सदुपयोग करें। आप अपनी राह में आई हर अड़चन को कम कर सकते हैं। हेल्थ में अपने परिवार और सेहत को लेकर परेशान रहेंगे, इसके लिए अपने परिवार के साथ समय बिताइए। यदि कोई पुरानी बीमारी परिवार की हिस्ट्री है तो उसका ध्यान आपको स्पेशली आज रखना पड़ेगा। एस्ट्रो योगी के ज्योतिषी आज ये कह रहे हैं क्रीम कलर आज आपके लिए लकी साबित होगा। सुबह 10 बजे से लेकर और दोपहर 11 बजे तक का समय आपके लिए भाग्यशाली है। कन्या राशि। कन्या राशि के जातक आज इमोशनली एक्टिव रहेंगे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, इसलिए आप अपने लाभ को अधिक से अधिक उपयोग करें। आप अपने आसपास की चीजों को पॉजिटिव एनर्जी के साथ महसूस करें। अपनी प्लानिंग के अनुसार काम करें। आज आप बहुत कुशल हो सकते हैं। लव लाइफ की बात करें तो आज आपके लिए रोमांस का दिन अच्छा नहीं है। खुद में सुधार करने की कोशिश की आवश्यकता है। और अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं तो उसके ख्यालों और विचारों का पूर्ण रूप से ध्यान आपको आज रखना पड़ेगा। करियर के मामले में सोशल लाइफ में अच्छा परफॉर्म करेंगे। आज आप किसी स्कूल या एनजीओ के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। फाइनेंस में देखें तो बिजनेस में एक्टिविटी आपके लिए अच्छा प्रयोग कर सकती है, इसका बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है। आज आर्थिक स्थिति लगातार ठीक होती नजर आएगी। हेल्थ में आज आप थोड़ी सेहत नाजुक महसूस करेंगे। कोल्ड या पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए आज जल्दी कोशिश करें कि सारे कार्य से निपटकर जल्दी सोएं और सुबह तरोताजा उठें। भाग्य और सौभाग्य को बढ़ाने के लिए लाल रंग के कपड़े पहन सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक का समय आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। तुला राशि। तुला राशि के जातक खुद को यूजलेस ना समझें। आज आपको इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। खुद पर लगातार किए गए कार्य आज आपको याद रखने पड़ेंगे और दूसरे लोगों को बताना भी पड़ेगा कि आप उनसे कितना बेहतर हैं। कामों की जिम्मेदारी लीजिए, जो काम कर सकते हैं खुद आप जरूरी काम करने के लिए आगे बढ़िए। जरूरी नहीं है कि सब लोग आपको काम के लिए बोलें, लेकिन खुद जिम्मेदारी उठाना भी सिंह राशि के जातकों और तुला राशि के जातकों के लिए आज अच्छा प्रभावशाली
व्यक्तित्व सामने लाएगा। आप लव लाइफ की बात करेंगे तो आज का दिन आपके पार्टनर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके पार्टनर आपको एक अच्छा तोहफा दे सकते हैं। अपने आप को करियर और पढ़ाई के मामले में आज आप डाल दीजिए, बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। आपको खुशखबरी मिलने वाली है, आपने जो मेहनत की है उसका परिणाम आज मिलने वाला है। आज तुला राशि के जातकों के लिए थोड़ा आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। अपने काम पर ध्यान दें, प्रमोशन भी मिल सकता है। हेल्थ के मामले में देखें तो अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखें। सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय आपके लिए भाग्यशाली है। गुलाबी रंग आज आपके लिए लकी साबित होगा। वृश्चिक राशि के जातक आज महसूस कर रहे हैं कि उनकी इनकम कम हो रही है, परंतु आप आज उम्मीदों से भरने वाले हैं, सभी परेशानियों को पार कर देंगे। जो आपको रोक रही है, आपके जीवन में तरक्की नहीं हो रही दे रही है। लव लाइफ की बात करें, संभल कर आगे बढ़ें, क्योंकि कोई आपको ब्लैकमेल या आपको गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है। धोखा देने का दिन रहेगा आज। आप हर चीज के बारे में दो बार सोचें। करियर में होने वाली टेंशन आज सैचुरेशन पर आ जाएगी। कोई भी कार्य तब करें जब उसमें आप पूर्ण रूप से अपने आप को सक्षम समझें। किसी भी प्रकार से अपने आप को ओवर रिएक्ट करवाने या अधिक सोचने पर ना विचार करें। आगे चलकर आपका बिजनेस बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि आज के बाद का दिन बिजनेस के मामले में बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। शाम को 4 बजे से लेके और शाम को 4:30 का समय आपके लिए शुभ साबित होगा। लाल रंग आपको आज पॉजिटिव एनर्जी देगा। धनु राशि के जातक मिथुन राशि के चंद्रमा में गोचर के कारण आज आपको जॉब ढूंढनी पड़ सकती है। यह आपको बेचैन करेगा। आज का दिन बहुत अच्छा है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताइए। पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों के कारण आज आपको नौकरी और व्यापार में लाभ मिलते हुए नजर आएगा। लव लाइफ की बात करें, दिन यादगार होगा। आज आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत मौके लेकर आएगा। अपने पार्टनर के साथ रिश्तों को मजबूत करें। जिन लोगों के विवाह की चर्चा चल रही है, आज वो आपको लाभ देते हुए दिखाई देंगे। कुछ ऐसे लोग जिनके साथ आपके पुराने संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, वो आपके विवाह में आपकी सहायता करेंगे। अपनी प्लानिंग के अनुसार आप काम करेंगे, रिजल्ट आपको तुरंत दिखाई देगा। क्या आपने अपनी परेशानी खुद समाप्त करनी है, तो उसके लिए अपने आप को खुद से मजबूत बनाना होगा। फाइनेंस में देखें, आप नए रिलेशन बना सकते हैं। आज आप उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जो आपकी बौद्धिक क्षमताओं को इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहा होगा। आज आप अपने नए विचारों पर काम करें, दृढ़ प्रयासों को अपने लक्ष्य पाने में लगा दीजिए। अपने परिवार की सेहत को लेकर थोड़ा घबरा सकते हैं। 2:20 से लेकर 3:15 तक का समय आज आपके लिए लक्की साबित होगा। आज आप अपना लक्की कलर चूज कर सकते हैं, हरा रंग। मकर राशि के जातक खुद को थोड़ा विश्वास बनाए रखना होगा। आज आप ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो लोग आपके दोस्त तो हैं, परंतु इनसे सतर्क भी रहना होगा। आज दोस्तों के साथ रहिए जरूर, लेकिन किसी भी प्रकार के इमोशनल या किसी भी प्रकार के ब्लैकमेल में नहीं आना चाहिए। कुछ लोग धन भी ले सकते हैं। लव लाइफ की बात करें, लव पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, गर्म जोशी महसूस करेंगे और आनंद से भरेंगे। करियर के मामले में आज कुछ पीछे चल रहे हैं, परेशानी आपको मिल सकती है। आज वो परेशानी कम हो रही है जो काफी दिन से आपके ऊपर बोझ बनकर चल रही है। आपकी लाइफ में टेंशन कम होगा। वहीं फाइनेंस को देखें तो अपने फाइनेंशियल एरिया में स्थिति मजबूत करने का प्रयास आप कर रहे हैं। क्रिएटिविटी के साथ काम आपको करना है। आप अपने कामों को क्वालिफिकेशन के साथ जस्टिफाई रखिए। हेल्थ के मामले में आज आपका पेट और आंखें कुछ परेशान करेंगी। पॉजिटिव एनर्जी के लिए जरूरी काम सुबह 11 से और 12:15 के बीच में करिए। लक्की रंग के लिए पहने आप नीला, आपके लिए सौभाग्यशाली साबित होगा। कुंभ राशि के जातक मिथुन राशि के चंद्रमा के गोचर के कारण आज अपनी लाइफ को बैलेंस बनाकर रख सकते हैं। आज आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, कुछ परेशानी महसूस हो सकती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहीं जा सकते हैं। लव लाइफ की बात करें तो अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक लाइफ का मजा ले सकते हैं, परंतु ध्यान रखें, पार्टनर की कोई भी शिकायत से आपको बचना चाहिए। ऐसा करने से एनर्जी होगी पॉजिटिव। करियर में आपका समझदारी से किया गया कार्य और क्रिएटिविटी आपको आज धन लाभ देने वाली है। फाइनेंस के मामले में काम का बोझ आपको बिजी जरूर रखेगा। काम आज आपका फ्यूचर रिलेटेड होगा। कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच सकते हैं।
हेल्थ के मामले में थोड़ा सा अपने रिलेटिव्स का ध्यान रखें, क्योंकि कोई रिलेटिव बीमार होने के कारण उसको मिलने अस्पताल या उसके घर पर जाना हो सकता है। ऑलिव कलर आज आपके लिए लकी है, सुबह 10 बज के 11 बजे तक का समय लकी साबित होगा, कोई भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि के जातक सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहे हैं, आपकी फीलिंग के साथ आप किसी के साथ भी अपनी बात बता सकते हैं। कुछ प्रिय व्यक्ति आज आपके जीवन में होगा, विश्वास पात्र जरूर है, परंतु अपने आप को शांत रखिए, पहले उसकी बात सुनने का प्रयास करिए, क्योंकि जो व्यक्ति आपके पास आया है वो आपसे ज्यादा डिमांडिंग है। आज अपने प्रियजनों के साथ समय अच्छा बिता सकते हैं। लव लाइफ की बात करें तो आज पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, कोई रिश्ता आपके लिए और गहरा होगा। करियर के मामले में सेमिनार या कॉन्फ्रेंस में जा सकते हैं या उसकी अध्यक्षता भी आप कर सकते हैं। अपने करियर में मजबूत ग्रोथ के लिए कुछ जिम्मेदारी आपको सामने से उठानी पड़ेगी। परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होते हुए दिखाई दे रही है, परंतु उसके लिए कोई लोन या उधार भी लिया जा सकता है। बिजनेस और फाइनेंशियली टारगेट को क्रिएटिविटी के साथ पालेंगे, पैसा कमाने के लिए जरूरी है कि आप हाथ आए मौके को ना गवाएं। हेल्थ की बात करें तो आज पार्टनर और रिलेटिव्स का ध्यान रखना पड़ेगा। एस्ट्रो योगी ज्योतिषी ये कह रहे हैं कि शाम 5:15 से लेकर 6:15 के बीच का समय आपके लिए भाग्यशाली साबित होने वाला है। मर्जेंटा दिन के लिए आपका लकी कलर रहेगा और आज आपका दिन बहुत सौभाग्यशाली है। मीन राशि के जातक आज अपने आप को नए नए कार्यों में भी लगा सकते हैं। यह राशिफल चंद्रमा ग्रह और नक्षत्र की गणना पर आधारित है। आप अपनी कुंडली, विवाह, पंचांग, शुभ मुहूर्त, राशिफल आदि से संबंधित या व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर डाउनलोड करें एस्ट्रोयोगी ऐप गूगल प्ले स्टोर से या iOS स्टोर से और पाएं अपनी समस्या का समाधान इंडिया के बेस्ट ज्योतिष आचार्यों द्वारा। एस्ट्रोयोगी, पहला एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेशन सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में, अभी डाउनलोड करें।